है गाइस, अब नुसरत चली अपने ससुराल। सी ऑफ करने आई है सोनी, रोशनी और अम्मी। नुसरत की अम्मी अब ये चली पांडेसर बंगाल। भागलपुर में रह ली अपने मायके में, अब ये चले पांडेसर। ट्रेन में बैठ चुकी है, ये रोशनी कितना बदमाशी कर रही है। किरानी रोशनी जा रही, रोशनी रो रही है नुसरत के जाने के। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, हम फिर एक महीना बाद आ देख सकते हैं हम लोग सैतिया उतर गए हैं और ब्रांचल अब जा रही है पांडेसर की तरफ ही जाएगी, लेकिन हम लोग को यहीं पर उतरना पड़ा क्योंकि वहाँ स्टॉपेज नहीं है। नुसरत रो रही है तो जाएंगे पांडेसर, यहीं उतर गए ब्रांचल एक्सप्रेस। बहुत दुख हो रहा है, ट्रेन पर थोड़ा स्टॉपेज नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है, मजबूरी में हम लोगों को यहाँ उतरना पड़ा। सरकार तो हम लोगों को सुनेगा, स्टॉपेज तो दे देगा। स्टॉपेज तो ड्राइवर से भी बात हुआ तो बताया शायद 1 तारीख से कर दे स्टॉपेज। हाँ, वो बोल रहे कि 1 तारीख से हो जाएगा, इंशाल्लाह कर दे तो अच्छा ही है। चलिए अब यहाँ वेट करेंगे, 4 घंटा कोई उपाय नहीं है। अब सुबह 4 बजे लोकल आएगी, उसके बाद दुख हो रहा है ट्रेन जा रही है तो। अगर थोड़ा सा भी बोलता कि चलो 4000 रोक देंगे वहाँ, मतलब कि वहाँ सिग्नल जा करके दिया रहता है, हाँ। लाल रहता है, लाल नंबर लाल रहता है, लेकिन वो गारंटी नहीं है, राम भरोसा हिंदू होटल। राम भरोसे, चलिए गाइस अब यहीं 4 घंटा वेट करते हैं। चलिए हम लोग उधर जाएंगे, लेकिन हम लोग अब उधर चले, हम लोग डायरेक्ट उधर ही जाते हैं, 1 नंबर में इसको जाने दो, है ना। फिर यहाँ पर जाके क्या करेंगे फालतू, अभी हम लोग 1 नंबर पे जाके बैठेंगे, वहीं वेट करेंगे। लोकल 1 नंबर पे ही आएगी पांडेसर के लिए, उतर जाते हैं तो ऐसे हम लोग 1:30 बजे रात में घर उतर जाते हैं। अब कुछ कर नहीं सकता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कोई उपाय नहीं। चलिए पैदल चलो, पैदल चलते हैं, 4 घंटे में पैदल पहुंच जाएंगे आराम से। चलिए चलो बैग उठाओ, ले जाएंगे किधर से, चल रही ट्रेन, रुक जाओ 1 सेकंड। मच्छर बहुत है, लेकिन आपको ना लेके आना चाहिए मशीन, भूल गए हमको, याद नहीं रहा, चला के सो जा रहे हैं। इस साइड में पहली बार उतरे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? नुसरत कोहली बन गई है, थक गई। चलो बहुत आगे उतार दिया था, हम लोग बहुत आगे बैठ गए थे। सभी रात के बज गए हैं 1:05 और अभी हम लोग हैं सैतिया स्टेशन में। नुसरत निकाल रही है खाना, घर से खाना लेकर आई थी, देखते हैं क्या लाई है खाने में। निकाली खाना,
देखिए नुसरत खाना निकाल रही है, अभी निकाल चुकी है। किधर बैठना है? यहीं पर बैठो ना। अम्मी क्या बना के दी है देखते हैं क्या दी है खाने में। मच्छर भी है ना। आलू की सब्जी, आलू की सब्जी है और इधर प्याज क्या है, पराठा। अच्छा आज ये खाना खा लीजिए। अब खाना खा लेते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। आइए बैठिए। क्या करोगी स्टेशन में खाने का मजा ही अलग है ना। बहुत मजा तकलीफ भी मच्छर के बीच में सब्जी। मच्छर देखो कितना। चुपचाप से खा लो तो पुलिस पकड़ लेगा। पुलिस को बोला मैं खा लीजिए। तो फ्रेंड फाइनली खाना खा लिए हैं और जोर की भूख भी लगी हुई थी। नुसरत भी खाई है थोड़ा सा, नींद भी आ रहा बहुत। अब हम हमेशा थोड़ा, ये हमेशा थोड़ा सा ही खाती है। तुम यहाँ सो जा, नींद थोड़ी ना आएगा। आ जाएगा सो जा, हम सामान देखेंगे। अभी 1:27 हुआ है, अभी भी 3.5 घंटा टाइम है। घर जाके सोएंगे। 1:27 हुआ है। अब घर जाके हम लोग सोएंगे और क्या करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं भागलपुर से आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ट्रेन अवेलेबल नहीं है, एहतियात उतर के चेंज करना पड़ता है ट्रेन। उसके बाद फिर 4 घंटे इंतज़ार कीजिए, उसके बाद जा कर के फिर आपको ट्रेन मिलेगी। देखिए अपने सोने का इंतज़ाम कर रही है, उसको नींद आ रहा है। देखिए बिस्तर लग चुका है इसका इसका हम तकिया बना, इसका ये तकिया बना ली सॉल का। जिस टाइम गए थे हम लोग हल्का ठंड था। सो जाओ। तो फाइनली पांडे सर पहुंच गए हैं। अरे हाँ, हम लोग ट्रेन से उतर गए। इस ट्रेन से देखिए नुसरत आ रही है।